हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से डार्क बैकग्राउंड रखेंगे और अपने फोटो का कलर भी हम लोग कलरफुल रखेंगे। तो दोस्तों, उस तरीके की एडिटिंग करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने वो एडिटिंग करी है। सबसे पहले मैं उसका आपको सैम्पल दिखा देता हूँ लाइटरूम ऐप पर जाने से पहले। और वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं इस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहता हूँ फोटो एडिटिंग से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले मैं आपको सैम्पल दिखाता हूँ किस तरीके की मैंने एडिटिंग करी। पहले आप देख लीजिए, बिल्कुल दोस्तों ये मैं ऐसे एडिटिंग करने वाला हूँ लाइटरूम ऐप में। तो जैसा कि मैंने फोटो आपको इंसर्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं ये फोटो है एक मॉडल का। और इसका सबसे पहले हम जाएंगे दोस्तों इसमें अपना टेम्परेचर में, टेम्परेचर वाले ऑप्शन में जाएंगे। आप देख सकते हो जो कलर मिक्स टूल वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद उसमें हम उसके कलर की सेटिंग वगैरह चेंज करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है आपको। तो आप आ जाते हैं इसमें और सबसे पहले जाते हैं मिक्स टूल में। मिक्स टूल में जाने के बाद आप देख सकते हो येलो टोन का सैचुरेशन हम डाउन कर देंगे। वैसे ही दोस्तों ग्रीन टोन का भी सैचुरेशन डाउन कर देंगे, एक्वा कलर का भी सैचुरेशन डाउन करेंगे, ब्लू का भी सैचुरेशन डाउन कर देंगे दोस्तों। इवन सारे कलर का सैचुरेशन डाउन कर देंगे, शुरू के दो कलर जो उनको छोड़ के। तो आप ऑरेंज टोन पे आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो ऑरेंज टोन पे हम देख सकते हैं उसका ह्यू हल्का सा कम कर देंगे, सैचुरेशन बहुत मामूली सा ही कम करेंगे, आप देख सकते हो। उसके बाद इसका जो ल्यूमिनेंस है वो हल्का सा बढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों रेड कलर आता है, रेड कलर में आप देख सकते हो चेंजेस करके कुछ ज़्यादा चेंजेस हो नहीं रहा है, तो प्लस की साइड में रखा ही उसका। और दोस्तों ओनली सैचुरेशन बहुत माइनर से चेंज किया, ल्यूमिनेंस मैंने हल्का सा बढ़ा दिया है। उसको बात कर देंगे ओके। आते हैं इसमें नीचे और जो आप वाइब्रेशन देख रहे हैं उसको हम वाइब्रेंस को हम नीचे की साइड करेंगे, मतलब माइनस साइड में, और सैचुरेशन को माइनस साइड में करेंगे। टिंट को हल्का सा हम आप सॉरी टेम्परेचर को आप देख सकते हो माइनस के साइड रखेंगे। हल्का सा आपने देख लिया है किस तरीके से -9 रखा है मैंने, 8 के करीब रखा है। उसके बाद आते हैं हम लोग गिग्नेट वाले टूल में, उसका टेक्स्चर हम बढ़ा देंगे हल्का सा। और क्लैरिटी भी आप देख सकते हो, क्लैरिटी भी मैंने हल्का सा बढ़ाया है मामूली सा। और डिहेज भी मैंने प्लस के साइड में रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि डार्क थोड़ा चाहिए तो हमने इसलिए डिहेज को बढ़ा दिया। उसका विग्नेट डाउन कर दिया है, आप देख सकते हो राउंड जो सर बार बार का जो एरिया है वो डार्क हो जाए। उसके बाद दोस्तों आप इसको आते हैं शार्प टूल में, शार्पनिंग बढ़ा देंगे इसका, आप देख सकते हैं। और इसका मास्किंग भी बढ़ाएंगे दोस्तों, टू फिंगर मास्किंग करेंगे, आप जैसे देख सकते हैं प्रेस एंड होल्ड करके टू फिंगर मास्किंग करेंगे, जिससे कि उसकी एजेस शार्प हो जाए। एक नीट ट्रिक्स है दोस्तों जिससे आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद नॉइज रिडक्शन बढ़ा देंगे हम, कलर नॉइज रिडक्शन भी बढ़ा देंगे, स्मूथनेस फुल कर देंगे, आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथनेस मैंने फुल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अपना लाइट टूल में, लाइट टूल में आने के बाद आप देख सकते हो हाईलाइट बहुत मामूली सा इंक्रीज किया है। और शेडो आप देख सकते हो, शेडो भी मैंने माइनस के साइड में रखा है। उसके बाद दोस्तों आप वाइट देख सकते हो, वाइट वाइट जो है उसको मैंने बढ़ाया, और जो ब्लैक है वो मैंने साइड में रखा है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कॉन्ट्रास्ट में, तो कॉन्ट्रास्ट इसका हम हल्का सा प्लस के साइड में रखेंगे, आप ये देख सकते हैं 15 रखा। उसके बाद कर्व टूल में जाने के बाद इसको हम फेडेड लुक देंगे, तो 3 डॉट ऐसे आपको बना लेना है सीधे सीधे। उसके बाद दोस्तों इसको फ्लैट लाइन करने के बाद नीचे का जो डॉट है उसको हम ऊपर की तरह ऐसे उठा देंगे, बहुत मामूली से कर देंगे दोस्तों। और उसको आफ्टर बिफोर करके देख सकते हो कि जो मुझे एग्जैक्टली जो टोन चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अभी इसमें थोड़ी सी एडिटिंग और रह गई इसमें रिटचिंग, तो वो अभी मैं आगे बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो आप सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए। उसके बाद आते हैं सिलेक्टिंग टूल में, सिलेक्टिंग टूल में आप यहाँ से देख सकते हो राउंड सर्कल वाला इसमें एलिप्स उठा लेना है आपको। इसको यूँ बड़ा करके बाद प्रेस डबल टैप करेंगे आप बीच में, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इन्वर्ट करने के लिए बीच वाला जो सर्कल है उसको हम टैप कर देंगे, डबल टैप करेंगे तो वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा वो। अब ये देख सकते हो डबल टैप करने वाले आ जाएगा, तो इन्वर्ट कर देंगे और इसका एक्सपोजर कम कर देंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पीछे का एरिया डार्क चाहिए और ये सिंगल ब्लैक कलर में चाहिए, तो उसके लिए मैंने डार्क कर दिया और हाईलाइट हल्का सा बढ़ा दिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल जो मैंने किया है। और उसके बाद आप देख सकते हो शेडो भी हल्का सा बढ़ाया, इंक्रीज किया है। और वाइट वाइटनेस मैंने माइनस के साइड में रखा है 19-19, और ब्लैक मैंने भी माइनस के साइड में रखा है बहुत मामूली सा, आप देख सकते हैं, सॉरी प्लस के साइड में रखा है। तो इसके बाद दोस्तों इसको हम कर देंगे डन, आप ये देख सकते हो बिल्कुल डन करने के बाद हम इसको सेव करेंगे इस फोटो को। तो मैंने जैसा कि मैंने इसको सेव कर दिया और आफ्टर बिफोर करके देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखाता हूँ उसकी क्वालिटी आपको कितनी बेहतरीन है।
है। तो उसके बाद दोस्तों हम इसको सेव कर लेते हैं और उसको हम ओपन करेंगे पिक्सआर्ट ऐप में। तो जैसा कि मैंने यहाँ शेयर करके सेव कर लिया, उसको हम ओपन करते हैं सीधे पिक्सआर्ट ऐप में। तो दोस्तों पिक्सआर्ट ऐप में जैसा कि मैं आ चुका हूँ, और आप पिक्सआर्ट ऐप में आने के बाद आप देख सकते हैं, और टूल्स में जाने के बाद इसमें आप जो एडजस्टमेंट टूल है जो उसको इस तरीके से ओपन करेंगे, उसकी ब्राइटनेस हम बढ़ा देंगे हल्का सा। ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद इसमें इरेजर टूल पे जाके हम इसको इन्वर्ट करेंगे और ब्रश से हम इसको हाईलाइट करेंगे। दोस्तों ब्रश की साइज हम देख आप देख सकते हो, जैसे मैंने सेट किया आप उस तरीके से कर लीजिएगा। ओपेसिटी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो यूँ चेहरे पे हमें थोड़ा सा हाईलाइट लाना है तो इस तरीके से हम हाईलाइट करेंगे। अब जैसा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा आप कर सकते हैं बिल्कुल, और आपके फ़ोटो की क्वालिटी के हिसाब से भी आप वैल्यू रखना, क्योंकि अगर आपकी फ़ोटो अच्छी क्वालिटी में नहीं है और उस पर आप ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा देंगे तो ओवर एक्सपोज लगने लगेगा, तो उसको नहीं करना है। तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप उसी तरीके से करना, अपने फ़ोटो की क्वालिटी के हिसाब से भी आप इस तरीके से डोज एंड बंद कर लेना दोस्तों। तो मैंने जैसा कि ये कर रखा है वो आप देख सकते हो, तो मैंने इसके हाथों पर भी हाईलाइट किया हुआ है आप देख सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि नीचे के एरिया डार्क है। और मैं शर्ट पर भी हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा जहाँ पे मुझे ब्राइटनेस चाहिए, जहाँ पे एजेस उभरे हुए हैं वहाँ पे मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा, और जहाँ पे एजेस डेप्थ में है वहाँ पे मैं उसको डार्क ही रखूंगा। तो आफ्टर बिफोर करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जब तक ये मैं डोजन बंद करता हूँ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ये वीडियो मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, आप इसको देख लीजिएगा और कमेंट में मुझे बताएं किस तरीके से लगी मेरी वीडियो आपको। और मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो इस तरीके से लाता रहूँगा मेरे चैनल पे, तो आफ्टर बिफोर करके आप देख सकते हो दोस्तों। डोज एंड बर्न मैंने जैसा कि मैंने कर दिया है आप इसमें, और आप इस पर आफ्टर बिफोर करके मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। उसके बाद आते हैं फिर से एक बार टूल्स में, एडजस्टमेंट टूल में जाते हैं, और आप देख सकते हो तो इसकी वैल्यू हम फिर से बढ़ाएंगे। क्लैरिटी हम इसकी हल्की बढ़ा देंगे, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लैरिटी बढ़ा देंगे। और सैचुरेशन अभी आप देख सकते हो, सैचुरेशन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत प्लस के साइड में रखा है। तो आप जो वैल्यू पर सेट कर रखी है उस हिसाब से आप भी सेट करिएगा। उसके बाद आते हैं हाइलाइट्स पे, तो हाइलाइट्स इसका आप देख सकते हो आप इस तरीके से, माइनस के साइड में हम रखा है मैंने, ज़्यादा नहीं सॉरी प्लस के साइड में रखा है 12 रखा है। और जो शेडो है उसको भी हम हल्का सा कम कर देंगे, और टेम्परेचर इसको आप देख सकते हो माइनस के साइड में रखेंगे, हल्का सा ब्लू टोन लिया हुआ है बैकग्राउंड में, तो वो वाला टोन करने वाला इसको कर देंगे डन दोस्तों। तो उसके बाद ही आप आफ्टर बिफोर करके देख सकते हो कितनी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है दोस्तों। इसका फेस में स्मूथ करूंगा वो स्नैपसीड में, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है दोस्तों, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। बाकी मैं इस वीडियो कहीं पर खत्म करता हूँ, मैंने सेव कर लिया है दोस्तों, आप भी कर लेना सेव इसके तरीके से, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मैं ऐसे ही जबरदस्त एडिटिंग करके लाता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।